साइन लैंग्वेज है, ये भी एक तरह से लैंग्वेज है, ये एक्चुअली स्पेशल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज दो टाइप का होता है, एक होता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज, एक होता है इंडियन साइन लैंग्वेज। इसमें दोनों में खासियत क्या है आप कोई बताया, ये साइन लैंग्वेज क्या है, साइन लैंग्वेज क्या होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, अगर थोड़ा साइन बस। लैंग्वेज सिंस हम जहाँ पे अपने साउंड को नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ अपने हम बॉडी लैंग्वेज से उनसे बात करते हैं। यस यस गुड, ये साइन लैंग्वेज है जो हम अपने बॉडी लैंग्वेज या उनको बात न करके उनको हम अपने इशारे से समझा सकते हैं, वही हमारा साइन लैंग्वेज है। जो हम बोलना चाहते हैं वो अपने हाथ से बॉडी से अपने इशारा करके बता दे, वो समझ जाए, उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो ये साइन लैंग्वेज हम एक्चुअली डेफ चिल्ड्रन जो होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, वहां पे अक्सर यूज किया जाता है ये। और ये साइन लैंग्वेज ये नहीं कि हम केवल साइन लैंग्वेज ही करते हैं, उनके साथ हम बात भी करते हैं और अपना हाथ भी का भी साइन लैंग्वेज करते हैं, ताकि वो बच्चे जो है अपना जो लिप रीडिंग है वो देखता है, उनको अनुभव होता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उससे भी उनको थोड़ा अनुभव होता है। तो हम पहले बात करेंगे कि ऐसा साइन लैंग्वेज क्यों, ऐसे बच्चे को सिखाने के लिए क्यों ऐसा हुआ, हम क्यों सिखाते हैं इस बच्चे को, इस साइन लैंग्वेज क्यों प्रयोग करते हैं उस बच्चे के लिए, हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताइए क्यों ऐसा प्रयोग करते हैं, क्यों ये साइन लैंग्वेज क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग। क्योंकि लैंग्वेज किसी चीज़ को दर्शाता है, अपने जज्बातों को प्रतीक करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि जो लोग अपने जज्बातों को, कई तरह से लोग अपने जज्बातों को प्रतीक बताते हैं, तो अपने जज्बात को बताने का एक ये जरिया है, अपने सोच को, अपने विचार को प्रकट करने का एक जरिया है, जो कि लैंग्वेज हम कह सकते हैं। उसमें अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे अमेरिकन है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, भोजपुरी है, वो लैंग्वेज है, उसमें से के हो सकता है साइन लैंग्वेज है। यस यस तो यही है, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग आपस में बात करते करते समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग क्या बोलना है, हमको क्या करना है, कल क्या करना है, अभी क्या बात करना है, हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को सुनाई देता है, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे जिनको सुनाई नहीं देता है कानों से, उनके लिए ही साइन लैंग्वेज है। जैसे मान लो घर जाना है, घर जाना है, तो हम बोलेंगे नहीं, तो वो ये समझेंगे, हम तो बात करके समझ जा रहे हैं कि हमको घर जाना है, लेकिन उनको कैसे समझाएंगे, वही है साइन लैंग्वेज की, घर जाना है, ठीक है, तो इस इशारे से समझेंगे। तो एक्चुअली ये हमारे बीच में ये थोड़ा सा मुश्किल है। डेफ चिल्ड्रन ये कैसे होते हैं, इनके कारण होता है, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, थोड़ा बहुत तो ये चार प्रकार का होता है। हियरिंग लॉस जो होता है वो चार प्रकार का होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, प्रोफाउंड होता है। चार प्रकार के लॉस होता है, जो ये कानों को सुनने की जो क्षमता होती है वो चार प्रकार की होती है। कुछ माइल्ड होता है जो 25% तक होता है, जो हमें लॉस होता है, लॉस जो 25% है माइल्ड होता है, जो हम जोर की आवाज देते हैं तो उनको सुनाई देता है, धीरे से बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम वही साउंड को जरा जोर से बोलेंगे तो हमें उनको सुनाई देता है, जो उसको बोलते हैं माइल्ड डिसेबल, यानी माइल्ड उनको हेयरिंग लॉस है। मॉडरेट क्या होता है, 25 से 40 के बीच में जो सुनने की क्षमता होती है उसे मॉडरेट कहते हैं। तो मॉडरेट और माइल्ड वो जो बच्चों को होता है, थोड़ा सा उनका स्पीच रहता है, वो स्पीच थोड़ा हम बोलते हैं ना गांव में तोतलापन, तोतलापन बोलता है बच्चा, तो उसको माइल्ड मॉडरेट का लॉस रहता है, तो बच्चा तोतलापन टाइप का बोलता है, थोड़ा बहुत आवाज उनका आता है। तीसरा नंबर है जो सीवियर है, सीवियर जो है 40 से 70 तक रहता है, जो सीवियर होता है वो सीवियर क्या होता है, जो हम मशीन का प्रयोग करते हैं कान में,
उसके लिए सिवियर यूज कर सकते हैं, उनको मशीन के द्वारा हम लोग बात कर सकते हैं, उसको हेयरिंग एड कहते हैं। हेयरिंग एड जो होता है वो बच्चे कान में लगाते हैं तो सिवियर तक वो हमसे सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत लिटिल भी एकदम थोड़ा थोड़ा बात भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या चौथा नंबर प्रोफाउंड होता है। प्रोफाउंड क्या है, 90% से ऊपर जिसका हेयरिंग लॉस है ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी सुई गे मतलब क्या बोलते हैं स्पीकर से भी हम तेज बोलेंगे तो भी उसको सुनाई नहीं देता, प्रोफाउंड में ऐसा होता है। तो उसके लिए मशीन भी बहुत कम काम करता है, हेयरिंग एड जो लगाते हैं उसमें भी काम नहीं करता है। उनके लिए ही ये साइन लैंग्वेज है, जो हमारा प्रोफाउंड लॉस है वो उनको साइन लैंग्वेज ही एक्चुअल काम करता है। तो ये हमने चार प्रकार का बताया हेयरिंग लॉस जो ये होता है। ये हेयरिंग बच्चे हमारे डेप जो बच्चे होते हैं हेयरिंग लॉस कैसे होता है, ये एक तो हमारे क्या बोलते हैं पूर्वजों का एक चलता रहता है कि हमारे घर में कोई डेप बच्चा है, चाहे हमारे पिताजी थे चाहे हमारे दादाजी थे, उनके घर में भी ऐसा आ सकता है। कोई 90% चांस नहीं है, 1% चांस होता है कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद है जो बच्चे होते हैं जो खान जैसे माताएं जो बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो खान पान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड अच्छे से उनको देना चाहिए, मेडिकल चेकअप अच्छे से होना चाहिए, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तीसरा मेन कारण क्या होता है, ब्लड रिलेशन मैरिज, जो हम अपने रिलेशन में ही हमारा शादी होता है मैरिज होता है, सबसे पहला यही रीजन है बच्चे को ये डेप होने का। ये तीन चार चीज मुख्य बातें हैं जो बच्चे डेप होते हैं जन्म लेते हैं, ये तीन चार बातें हैं। और इसके अलावा क्या साउंड पोल्यूशन भी डेफनेस का कारण होता है? हाँ ये भी होता है, अगर ज्यादा माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट है अगर वो साउंड ज्यादा उनके कैप्चर हो रहा है उसके ऊपर भी जो क्या बोलते हैं तरंग होता है रेडिएशन होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करता है, इसके चलते भी हो सकता है। ज्यादा ट्रेवलिंग कर लिया, बहुत सारा घूम लिया, ट्रेवलिंग कर लिया प्रेग्नेंट के टाइम में तो भी हो सकता है। लेकिन मुख्यतः तीन या चार कारण होता है जो मैंने बताया, मेन रीजन जो होता है वो होता है। जैसे बच्चा अगर ये बताइए हम बच्चे को कैसे पहचानेंगे, अगर मान लो आज बच्चा जन्म लिया एक महीना हुआ, हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चा हेयरिंग लॉस है, उस बच्चे को डेप है, कैसे पहचान सकेंगे हम लोग? आप ऋषभ जी आप बताइए कैसे हम पहचानेंगे बच्चा वो हमारा सुन नहीं सकता है अगर एक मंथ का बच्चा है तो? सर देखा जाए तो एक महीने के बच्चे के लिए तो नहीं पता है, लेकिन लगभग जो होता है दो साल का जब लड़का होता है या साल भर का होता है एक साल तक का, yes. तो उसको अगर पीछे से आवाज दिया जाए या कुछ उसके सामने गिरा दिया जाए पीछे, अगर वो रिएक्ट नहीं करता है तब हमें ये साइन पता चलता है कि हो सकता है इसको yes, ये yes. प्रॉब्लम है। यस गुड। दो साल के बाद, लेकिन ये हम एक मंथ की बात कर रहे हैं, हम एक मंथ में भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को सुनाई देता है कि नहीं। और किसी को आइडिया है तो बताइए, मैं आंसर देता हूँ, मैं आंसर बताऊंगा, और किसी को पता है तो बताइए। जब बच्चे का जब हम एक महीने या कुछ दिन पहले जब उसको हम उसके आसपास जो थोड़ा सा साउंड करते हैं तो बच्चा अपना रिएक्शन जरूर देता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कुछ ना कुछ बदलती है। हम उसको पता कर सकते हैं यदि वो सुन रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे के पास में हमने जोर से भी बोल दिया तो yes. जब रिएक्शन देगा तो समझ गए कि वो सुन रहा है। यस यस गुड। मेरा क्वेश्चन एक और था कृष्णा जी कि क्या डेफ बच्चा जो होता है वो बोल नहीं सकता है? जैसे yes. हमारे तरफ कहते हैं कि गूंग बधिर बच्चा yes. जो गूंग होता है मतलब वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? या हम मतलब बिहार में प्रॉपर ये है कि जो लड़का गूंग है वही बहीर है, मतलब गूंग बहीर होता है एकदम, ये 100% श्योर है कि वो गूंग बहीर ही होता है, क्या कारण है yes, और yes. इसको कैसे सुधारा जा सकता है? यस yes, यस yes, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप मेरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को बिल्कुल मैंने कान बंद कर लिया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं एकदम बिल्कुल कान बंद कर लिया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है,
आप मेरे से खूब बातें कर रहे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं उस बात को रिप्लाई कैसे करूंगा? ठीक है, हम उस बात को रिप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। इसीलिए ये कारण होता है कि जो बच्चे का हेयरिंग लॉस होता है वो कभी बच्चा बात नहीं करता है, इसलिए जब तक सुनाई नहीं देगा तब तक हम आंसर नहीं देंगे, वो साइलेंट रहता है। तो ये प्राकृतिक नियम है, जो बच्चा का हेयरिंग लॉस है उसको बात नहीं आता, जिस बच्चे को बात आता है उसको सुनाई नहीं देता, अगर उसको बात आने लग गया तो सुनने में सुनाई देने लग गया, सुनाई नहीं दे रहा है तो बेचैन हो जाएगा अपने आप में। ये प्राकृतिक एक देन है थोड़ा सा, कि जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है उसको बात भी नहीं आता है, जिस बच्चे को बात नहीं आता है उसको सुनाई नहीं देता है, ये प्राकृतिक नियम है। तो इसके ऊपर ही ये चलता है, इसीलिए बोलते हैं डेफ एंड डम एंड डेफ चिल्ड्रन। डम आजकल बैंड हो गया है, डम शब्द यूज नहीं करते हम लोग, बाधिर यानी डेफ चिल्ड्रन बोलते हैं उनको केवल। तो चलिए, हम लोगों ने ये इतना समझ गए कि हमारा बच्चे किस तरह से ऐसे होते हैं, क्या कारण होता है, क्या लॉस होता है, कैसे किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हो गई। अब उनको हम कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे तरफ से दो